सत नाम वाहे गुरु, सत नाम वाहे गुरु, नाम वाहे गुरु, सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सोरठ महला पहला, जिन्नी सतगुर सेविया प्यारे, तिनके साथ तरे, तिन्ना ठाक ना पाई प्यारे, अमृत रसन हरे, बूढ़े पारे पै बिना प्यारे, तारे नदर करे, जिन्नी सतगुर सिविया प्यारे, तिन के साथ तरे, तिन्ना ठाक ना पाई प्यारे, अमृत रसन हरे, बूढ़े पारे पै बिना प्यारे, तारे नदर करे, भी तू है सलाहना प्यारे, भी तेरी सलाह, विन बोहित पै डूबी है प्यारे, कंदी पाए कहाँ, पी तू है सलाहना प्यारे, पी तेरी सलाह, विन बोहित पै डूबी है प्यारे, कंदी पाए कहाँ, रहाओ वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच गुरद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे देश विदेश दे अंदर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे बख्शिश होए सचखंड श्री हरिमंदर साहिब तो पावन मुख वाक दी कथा विचार करन विचारन वास्ते एकत्र होई साध संगत जी, सब तो पहलों आओ गुरु पातशाह दी बख्शिश कीती होई गुरु फतेह दी सांझ करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा मुबारक बचन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 636 ते सुभायमान है, राग सोरठ ते बाणी है श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी। अज दा पावन शब्द अष्टपदी दे रूप दे विच आया है और नाल ही अज आपां सिख कौम ने अपने पिंडे ते जो तीसरा घल्लू घारा हंडाया है उसकी भी विचार आप जी दे नाल संखेप दे विच सांझी करनी है।
पहला आओ जो रहाओ वालियां पावन पंक्तियां ने उन्हां दे विच मेरे पातशाह जी ने जो सानू मार्गदर्शन किया है वो ये समझा रहे ने कि परमात्मा की सिफत सलौता परमात्मा की वडियाई करनी चाहिए है। क्यों करनी चाहिए है? क्योंकि परमात्मा दियां वडियाइयां दा कोई अंत नहीं है। सात संगत जी रहाओ वालियां पंक्तियां ने कि भी तू है सालाह ना प्यारे भी तेरी सालाह। वाहिगुरु जी की वडियाई आपां रोज जपजी साहब दे विच पढ़ते हाँ कि परमात्मा की वडियाई का कोई अंत नहीं पाया जा सकता। सारे गुरसिखां नू ए पावन पंक्तियां याद ने कि अंत ना सिफती कह ना अंत, अंत ना करना दे ना अंत, अंत ना वेखण सुन ना अंत, अंत ना जापै क्या मन मंत। परमात्मा दियां वडियाइयां दा कोई अंत नहीं है। पिछले समय दे विच एक अखबार दे अंदर रिपोर्ट छपी जिहदे विच ये कहा गया कि विज्ञानकां ने जो ब्रह्मांड बारे सोचिया सी कि ब्रह्मांड एडा को वड्डा है, विज्ञानकां दा मनना है कि नहीं भाई इहदे नालों 50 गुणा होर वड्डा है। संगत जी, गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी सानू रोजाना समझा रही है। जदों रह राज साहब जी का पाठ करीदा है तो सामने आ जांदियां ने पंक्तियां कि सुन वड्डा आखे सब कोए केवट वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए। लोकां तो सुन सुन के कही जाने कि परमात्मा वड्डा है वड्डा है। गुरु नानक साहब जी कहते किसी ने वेख्या कि परमात्मा कितना वड्डा है? इस पासे साडा ध्यान खड़दे ने सच्चे पातशाह कि कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई ना जाने तेरा केता केवड चीरा। तुसी किन्ना विस्थार कीता ए तुसी जानदे हो। सात संगत जी, क्योंकि परमात्मा दी सिफत सलौता दी गल आई है ते परमात्मा दियां वड्याइयां की ने ए मूल मंत्र विच भी दसियां गईयां। गुरु नानक साहब जी ने दसिया है कि परमात्मा एक है, एक ओंकार। ये भी परमात्मा की वडियाई से कि साहिब मेरा एको है, एको है भाई एको है। दूसरी वडियाई फिर पातशाह जी की कीती गई कि सत नाम, परमात्मा का नाम सच्चा है। ऐ जो भी पसारा वेखते हैं ये बिणस जाना है, ये झूठा है। केवल सच की है? परमात्मा का नाम, सत नाम। परमात्मा दे गुणा दियां परमात्मा दियां वडियाइयां तीसरा सतगुरु जी ने मूल मंत्र विच करता पुरख। परमात्मा सब कुछ करन कारण वाला है, बनाउन वाला है। उन्हें ये सारा संसार बनाया। वाहिगुरु जी ने संसार दी रचना कीती, उदे तो बगैर कोई होर दूजा तीजा नहीं है। परमात्मा ने ही सारा संसार रचिया है। गुरबाणी विच जगह जगह ते मार्गदर्शन किया गया है कि करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, उस तो बगैर कोई दूजा तीजा नहीं है। परमात्मा दियां सिफतां परमात्मा दियां वडियाइयां कि वह मेहरबान है, किरपालू है, दयालु है। आपां बचन पढ़दे हां मेहरवान साहिब मेहरवान जी सगल को दे दान।
तू काहे डोला प्राणिया तुद राखेगा सिरजनहार। परमात्मा दियां केड़ियां केड़ियां वडियाईयां बयान करिए, वो सारियां नू दाता देन वाला है। ददा दाता एक है, सब को देवनहार, दिंद तोड़ न आवई अगंत भरे भंडार। क्योंकि संगत जी शब्द लंबेरा है, इस करके आपां अज ज्यादा विचार नहीं करनी। आओ शब्द दे मूल पाठ नू वीर जी पासों प्यार सत्कार सहित सरवण करिए जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सोरठ महला पहला, जिनी सतगुर सेविया प्यारे, तिन के साथ तारे। धन गुरु नानक साहब जी शब्द की आरंभता दे विच सानू समझाउंदे ने कि जिन्हां ने सतगुर दे राही परमात्मा की वडियाई कीती, उन्हूं सेविया, उन्हूं सिमरिया, उन्हां दी संगत करन वाले भी तर गए। जिन्हां ने भी गुरु की संगत करन दे नाल, गुरु की कराउंदा है कि परमात्मा का नाम जपाउंदा है। ते जिहड़े नाम जपदे ने उन्हां बारे ते आपां रोज ही ये बचन पढ़दे हाँ कि जिन्नी नाम ध्याया गै मशक्कत घाल, नानक ते मुखुजले केती छुट्टी नाल। ओह ते छुट गए, होर किन्नियां नूं छड़ा लैंदे ने। सतगुरु जी भी समझा रहे ने कि तिन के साथ तरे, उन्हां दी संगत करन वाले भी तर जांदे हन। तिन्ना ठाक ना पाईऐ प्यारे, अमृत रसन हरे। उन्हां दे रस्ते दे विच ठाक रुकावट नहीं पैंदी। विकार जिहड़े ने काम क्रोध लोभ मोह हंकार, उन्हां ते अपना प्रभाव नहीं पा सकते। किन्हां ते? जिहड़े परमात्मा दा नाम जपदे ने गुरु दी राही। ये भी बचन जपजी साहब जी का ही है कि मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत स्यों प्रगट जाए। उन्हां दे मार्ग दे विच कोई रोक नहीं पा सकदा। बूढ़े भारे पै बिना प्यारे, तारे नदर करे। पर जिहड़े जीव विकारां दे विच खचत ने, ओ डुब गए। बूढ़े, बूढ़े दा अर्थ है डुब गए, भारे पापां दे भार दे कारण। देखो मनुख किन्ने पाप करदा है। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नूं पुछिए ते गुरु अर्जन देव जी समझाउंदे ने कि मनुख दी ए हालात है कि किन्ने पाप के बहु कोट, पापां दे दिने रात किले उसारिया किले। मनुख पाप कर्म करी जा रहा है, करी जा रहा है, ये पापां दे किले उसारिया है। सतगुरु जी कहंदे ने, समझा रहे ने कि बूढ़े ओ जीव डुब गए पाप दे भार दे कारण। धन गुरु नानक साहब जी ने साड़ी अगवाई कीती, कहंदे संसार दे प्राणियों ये मता समझना कि पुन ते पाप ये कहण मात्री ने। ये हकीकत है कि मनुख जिहो जे कर्म करदा है उहो जिहा लिखिया जांदा है। पुन्नी पापी आखन नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुकमी आवो जाहो। ओ जीव डुब गए बूढ़े भारे भै बिन प्यारे, जिन्हां दे अंदर परमात्मा दा निर्मल भै नहीं है, डर नहीं है, अदब नहीं है, ओ डुब गए। ते तरे कौन? तारे नदर करे।
जिन्हां ते परमात्मा ने अपनी मेहर दी निगाह कर दित्ती ओ जीव तर गए। पी तू है सालाहना प्यारे, पी तेरी सालाह। उस परमात्मा नूं ही सलाउणा चाहीदा है, उस परमात्मा दियां सिफ सलाउतां ही करनियां चाहीदियां ने। क्यों करनियां चाहीदियां ने? विन बोहित पै डुबिया प्यारे, कंदी पाए कहाह। क्योंकि जेकर परमात्मा दी वड्याई दा जहाज नहीं है, नाम दा जहाज नहीं है, फिर डुब जावांगे, फिर वकारां दे विच खचत हो जावांगे, डूबे बूढ़े डुब जावांगे। जगत गुरु गुरु नानक साहब जी ने एक ख्याल दिता है, सतगुरु जी सानू समझाउंदे ने कि पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तै डूबी अले। साढ़े देखद्या देखद्या किन्ने जीव डुब गए ते किन्ने डुबण वास्ते तैयार खड़े ने। इस करके जेड़े जीव परमात्मा दा नाम बोहित बना लैंदे ने ओ डुबदे नहीं। उन्हां दी हालात की है कि कंधी पाए कहा हा, ओ परमात्मा दे नाम दे जहाज ते चढ़ के कंडे दे पहुंच जांदे ने, संसार समुंदर विच डुबदे नहीं, ओ किनारे ते लग जांदे हन। ए शब्द केंद्री भाव है, सेंट्रल आइडिया है। सालाही सालाहना प्यारे, दूजा अवर ना कोए। उस सिफत सलाह करन योग परमात्मा दियां सिफतां करनियां चाहीदियां हन। क्यों करनियां चाहीदियां ने? क्योंकि परमात्मा वर्गा कोई दूजा नहीं। संगत जी ध्यान करना, गुण एहो होर ना ही कोए, ना को होआ ना को होए। साहिब मेरा एको है, एको है भाई, एको है। दसम पातशाह जी, एक बिन दूसर सो नच नार, भंजन गढ़न समर्थ सदा प्रभ जानत है करतार। गुरु नानक साहब जी समझा रहे ने कि उस तो बगैर कोई दूजा नहीं है। मेरे प्रभ सालाहन से भले प्यारे, शब्द रत्ते रंग होए। जेड़े मेरे प्रभु दी सिफत सलाहता करदे ने ओ जीव भले ने, ओ जीव चंगे ने, उन्हां दा मन शब्द दे विच रंगिया गया है। इसकी संगत जे मिले प्यारे, रस लै तत् विलोए। जेकर उन्हां दी संगत नसीब हो जावे नाम जपन वालियां दी, ते की करना चाहिदा है? रस लै तत् विलोए। परमात्मा दा नाम रूपी रस, ए तत् जिहड़ा है, जिवें मक्खन नूं रिड़कीए दुध नूं रिड़कीए मक्खन मिलदा है, नाम नूं जपन दे नाल तत् की मिलदा है कि परमात्मा दी ही प्राप्ति हो जांदी है। वाहिगुरु विच ही अभेद हो जाईदा है। फिर यह हालात बन जांदी है कि नानक लीन भयो गोबिंद सिंह, जो पाणी संग पाणी। सतगुरु जी समझा रहे हन, पद परवाना साच का प्यारे, नाम सच्चा निशान। पत परमात्मा रूपी वाहिगुरु जी परवाना, राह दी रास पूंजी, राहदारी। संगत जी एक जगह तो दूजी जगह ते जाना होवे, आपां नूं पता है कि माया खर्च हुंदी है, पैसे लगते ने। जेकर आपां इस जगह तो परमात्मा दी हजूरी विच पहुंचना है ते किन्नी रस्ते दी पूंजी एकत्र कीती, किन्ना नाम जपिया। जिहड़ा गुरु रामदास जी सानू रोजाना समझा रहे ने कि मेरे मीत गुरदेव मोको
राम नाम प्रकाश गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास। हरी दी कीर्ति राह दी पूंजी ये किन्नी एकत्र कीती है। गुरु नानक साहब जी भी समझा रहे ने कि पत परवाना शाह का प्यारे ये किन्ना नाम जपिया है जिसने अगे साड़ी सहायता करनी है। आया लिख ले जावना प्यारे हुक्मी हुक्म पछान। ए परमात्मा दा हुक्म इसनू समझ के जो तू संसार विच आया है ते अपने नाल परमात्मा दा नाम धन वाहिगुरु जी दी रास पूंजी किन्ना जपिया है इसे नू ही अगे लैके जाना है। आया लिख लै जावना प्यारे होर कोई भी चीज अपने नाल अगे नहीं जानी। ये गल बार बार गुरबाणी ने समझाई है कि केवल नाम धन्ने नाल जाना। नाम धन्ने जे मार्ग के गणे जाहे ना कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा। उथे खजाना केड़ा है कि परमात्मा दा नाम। जहां पंथ तेरा को ना सिजानू हर का नाम तैं नाल पछानू। तो सतगुरु जी सानू परमात्मा दी वडियाई करन दी नाम जपन दी ताकीद कर रहे हन। गुर बिन हुक्म ना बूझिया प्यारे साचे साचा तान। पर गुरु तो बगैर हुक्म दी समझ भी नहीं आउंदी। धन गुरु ग्रंथ साहब जी ने कृपा कीती सानू परमात्मा दा हुक्म समझाया। एक शब्द ध्यान विच सुरती विच टका लेना कि गुरमै आप समोए शब्द वरताया। परमात्मा ने गुरु दे विच अपना आप टका के ए शब्द दा हुक्म वरता दिता। ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया। ए धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी परमात्मा दा हुक्म ही है। संगत जी हुक्म दी समझ किवें आवेगी। देखो परमात्मा दा हुक्म किवें है। सतगुरु जी सानू समझाउंदे ने कि सतगुरु सिख की करै प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै। सतगुरु सिख कै बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हटै। परमात्मा दा हुक्म की है कि गुरु